लद्दाख भारत का सबसे प्रसिद्ध फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इसे भारत माँ का ताज भी कहा जाता है। हिमालय की घाटियों में बसे लद्दाख में अनेकों विशाल और बर्फ से ढके पर्वत हैं, जो यहाँ आने वाले टूरिस्टों का मन मोह लेते हैं। लद्दाख समुद्र तल से 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन लद्दाख घूमने का जरूर करेगा और आपको पता चलेगा कि लद्दाख कितनी खूबसूरती से भरा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लद्दाख का असली इतिहास 1947 से शुरू होता है, जब यह आजाद भारत का हिस्सा बना था। 59,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। 2020 के अनुसार लद्दाख की पॉपुलेशन 3,10,000 है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना ब्रिज लद्दाख में है, जिसका नाम बैली ब्रिज है। यह ब्रिज द्रास नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसे भारतीय आर्मी ने 1982 में बनाया था। ये ब्रिज 5600 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। लद्दाख की मेन इनकम का सोर्स टूरिज्म से आता है। हर साल लगभग 1,00,000 लोग लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ के लोग व्यापार भी करते हैं इन टूरिस्ट से। जब हम लद्दाख की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको मैग्नेटिक हिल्स के सामने से गुजरना पड़ता है, जिसे चुंबकीय पर्वत भी कहा जाता है। इस चुंबकीय पर्वत में इतनी ताकत है कि यह अपने पास गाड़ी को भी खींच लेता है और ये लद्दाख का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। कुछ लोग तो लद्दाख सिर्फ इसे देखने के लिए ही जाते हैं। दो कुबड़ वाले ऊंट पूरी दुनिया में सिर्फ आपको दो जगह देखने को मिलेंगे, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा लद्दाख। बर्फीली घाटियां, भूरे रंग की धरती और चारों ओर हजारों मीटर ऊंचे बर्फ के पहाड़, खूबसूरत झरने, झीलें, ये बताते हैं कि कुदरत ने लद्दाख में कितनी खूबसूरत कारीगरी करी है। और इसका जीता जागता नमूना है लद्दाख की राजधानी लेह। चीन और तिब्बत की सीमाओं से जुड़े होने के कारण पूर्वी लद्दाख के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और पश्चिमी लद्दाख के लोग मुस्लिम हैं और इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब 1756 में अफगानी मुसलमानों ने लद्दाख पर 70 साल शासन किया था। यहाँ की हिंदू औरतों को मुस्लिम धर्म में जबरदस्ती परिवर्तन करा दिया था। लद्दाख की पेंगोंग लेक दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। ये एकदम खारे पानी की झील है, जहाँ थ्री इडियट पिक्चर की शूटिंग भी हुई थी। गर्मियों के मौसम में लद्दाख में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों के मौसम में ये तापमान -20 डिग्री पहुंच जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 7,000 हिम तेंदुए हैं, जिसमें से 200 हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड लद्दाख में हैं। लद्दाख में खेले जाने वाला प्रमुख खेल आइस हॉकी है, जो दिसंबर के मौसम में खेला जाता है। लद्दाख की सुरु घाटी पर बसे कोरजोक क्षेत्र दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसी मानव बस्तियां हैं। अगर आप लद्दाख घूमने जाना चाहते हैं तो अप्रैल और जून का टाइम बेस्ट है। कोरोना वायरस से लद्दाख में अब तक 14 अक्टूबर 2020 तक 64 लोग मर चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, खूबसूरती से भरे लद्दाख के बारे में ये वीडियो आपको अच्छी लगी।